स्टूडेंट्स बेटा देखिए ये आपका हिंदी का रिवीजन है, आपका हिंदी का टेस्ट है तो आपको ये भी आप अच्छे से रिवीजन करना है और उसी तरह आपको करना है सबमिट जैसे कल किया था आपने, यू स्कोर दबाना है, आपको स्क्रीनशॉट खींचके आप हमें सेंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा माता का प्रायवाची शब्द बताइए। प्रायवाची का मतलब उल्टा, ठीक है, यानी एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं उसको प्रायवाची, समान अर्थ वाले शब्द को हम प्रायवाची कहते हैं। तो माता का प्रायवाची क्या होगा, जननी या जनक, तो आप जननी को राइट करेंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा जल का प्रायवाची बताइए। जल का प्रायवाची क्या होता है, जल का प्रायवाची होता है पानी, तो आप पानी पर टिक करेंगे। ओके बेटा मोटा शब्द कर लो बट ग्लोम उल्टा, मोटा कर लो पतला, ठीक है। नेक्स्ट है मालिक का विलोम बताइए, विलोम यानी उल्टा, मालिक का विलोम नौकर, नौकर पर राइट लाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा, तिरंगा, उसमें कितने रंग होते हैं, तीन। ओके केसरिया सफेद और हरा। मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से, माता का प्रायवाची शब्द जननी, जल का प्रायवाची शब्द पानी, मोटा शब्द का विलोम, विलोम यानी उल्टे, मतलब मालिक का विलोम नौकर, और राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से लिख लीजिए, आप इसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।